गुड मॉर्निंग पिला माने वीडियो नंबर 13 रे आमे डिस्कशन करथिले प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आ विभिन्न प्रकार करथिले जेंति कि ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आमे जानी जे गोटे कोलाइडल सॉल्यूशन रो रेंज टा होची पिले 1 रु 100 नैनोमीटर ता माने 1 नैनोमीटर रु कम होबनी कि 100 नैनोमीटर रु अधिक होबनी ता भितर रा पार्टिकल रेंज टा हमरो रहिबो। अच्छा तो बर्तमान आम पढ़ा आज वीडियो नंबर 14 रे प्रिपेरेसन आम केमी गोटे कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेरेसन आम ये करवा तार आम ये पाठ पढ़ा देख ये आम प्रिपेरेसन कला पूर्व मन भितर ए रहा दरकार जे पार्टिकल सैजटा रहा भितर जदि प्रिपेरेसन करू करू पार्टिकल सैजटा आठ कमीगला आम अलग करवा बाय प्यूरीफिकेसन यदि पार्टिकल सैजटा आठ बढ़ीगला भी तक आम प्यूरीफिकेसन करवा कहीं आमर दरकार केवल कोलाइडल सॉल्यूशन आमर ट्रू दरकार ना कि सस्पेंशन दरकार ना जदि सस्पेंशन हो जाए अलग करदे जदि पार्टिकल साइजटा आ रेंज भितर भी अच्छी रेंज बाहर भी अच्छी जो रेंजटा बाहर अच्छी पे आम जल्दी आमको अलग करा पड़ो आउ जो रेंज भितर अच्छी आमर ताको ठीक रख आर रेंज पूर्व अच्छी मानने वन नैनोमीटर पूर्व भी अच्छी ताको आमको बाहर करा पड़ो। सो चल करवा आम प्रिपेरेसन्स देख पे लायोफिलिक प्रिपेरेसन करवा लायोफोबिक प्रिपेरेसन करवा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दीज प्रिपेरेसन आम करवा तुम जाच लायोफिलिकटा हूँ कौन ना लायोफिलिक इज ए आट्राक्टिव ट्विन मैंने क्या क्या भितर जो फेज आ मीडियम मीडियम फेज भितर आट्राक्टिव जो पार्टा रहे कहते लायोफिलिक जो आट्राक्टिव रहे ना कहते लायोफोबिक लायोफिलिक करने बहुत सहज कारण लायोफिलिक कौन है ना पार्टिकल साइजटा आमर ये सल्यूसन करवाटा अति सहज इजिली कहीं सल्यूसन तुमको आगुरी भी कही डिफरेन्स बिटवीन द लायोफिलिक लायोफोबिक मैंने लायोफिलिक क्वेश्चन करा बहुत इजी फिले कहीं ये फेज आ मीडियम भितर गोटे आट्राक्शन स्मल आट्राक्शन रही भल भाव हो पार लायोफोबिकटा पे एत इजी नुहे कहीं ये आट्राक्शन रही तो आमको किसी सेमती पड़ो जहाँफल ये भल हम आम सल्यूसन चल देखा आम केमती करवा लायोफिलिकटा पे पूरा इजिली आम किसी आवश्यक ना आम स्टार्ट करवा लायोफोबिक जोटा कि मेथड्स आमको बहुत जिनस पढ़ाक पड़ो करवा लायोफोबिक सल्यूसन्स फास्ट टाइम पढ़ा पेप्टाइजेसन पेप्टाइजेसन पे कौन ना यही प्रोसेस रे प्रथम प्रेसीपिटेसन हुए प्रथम सल्यूसन हुए ना तो मुझे कही लायोफोबिक सल्यूसन ये सल्यूट आ सल्भेन्ट बा फेज आ मीडियम भितर कौन सी आट्राक्शन रही से अलग अलग रही है कहीं आट्राक्शन रही कहीं भितर सल्युबुल होनी सल्युबुल होनी आट्राक्शन भितर रही। अच्छा ताल आम देखे पेप्टाइजेसन केमी ना इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रेसिपिटेट टू सल्यूसन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रेसिपिटेट टू सल्यूसन तमें इटि पे कौन हम ना गोटे प्रेसिपिटेट रु प्रेसिपिटेट गोटे प्रेसिपिटेट रु एटा बस देखा लाइट पड़ से देखा ये कौन हम ना गोटे प्रेसिपिटेट रु आम कौन करवा ना गोटे सल्यूसन या प्रोसेस ना हूँ पेप्टाइजेसन गोटे कि यूज कराइक पड़ो बिना यूज रे कि गोटे यूज नक पे कौन हम ना प्रेसिपिटेट रु सल्यूसन हो पार ना आउ जो जिनस आम ये आड करवा गोटे प्रेसिपिटेट को गोटे सल्यूसन या मेक मैंने बनवाई पे कहती गोटे पेप्टाइजिंग एजेंट ताको पे कहती पेप्टाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेन्स ऑफ अ पेप्टाइजिंग एजेंट ए प्रेसिपिटेट कैन कन्वर्ट इनटू सल्यूसन द प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेसन बुझे। अच्छा आम कौन कले एफिओएच नहीं गले आयरन हाइड्रोक्साइड आम नहीं गले कि वाटर पिले मिसेदे देखिले ये सल्यूसन ये सल्युबिलिटी होनी पिले कहीं ये वाटर सल्युबल नुह आयरन हाइड्रोक्साइड डज नॉट सल्युबल इन वाटर सल्युबल नुह तो सी कौन कला ना गोटे प्रेसिपिटेड आमको देला तो सी आमको देला गोटे प्रेसिपिटेड ना बुझे मैंने से तले बसीगला गोटे कलर है तले आमर बसीगला आमको दरकार सल्यूसन मुबी ना से प्रेसिपिटेड्रे गोटे जिनस आड करी क्या आड करी ना पेप्टाइजिंग एजेंट को आड करी ये पेप्टाइजिंग एजेंट प्रेसिपिटेट को सल्यूसन रे कन्वर्ट करदेव ना ना देख के करवा
आमे नहींचे कौन पीले प्रेसीपिटेट आम नहींचे से प्रेसीपिटेट को मु आयरन क्लोराइड FeCl3 देके गोळेदेवी जो प्रेसीपिटेट मुझे नहीं थी से आम कौन करवा ना FeCl3 नहीं कि आम गोळेदे गोल पे कौन हम यहाँ धर पे यहाँ हूँ FeOH यहाँ हूँ आमर FeOH पार्टिकल्स एम FeOH पार्टिकल्स एमने वाटर रे सॉल्युबल हो नथिले जो आम पकईदे यहाँ को ये भांगी जीवो कौ थे ना गोटे भांगी जीवो पिले एफ इ प्लस थ्री आगे भांग थ्री सी एल माइनस ये सो नो ये भांगी जीवो एफ इ प्लस थ्री आउ थ्री सी एल माइनस दीटा क्लेस कौन है ना भांगी गला भांगिकी जो एफ इ प्लस थ्री एफ इ ओएच सरफेस यहाँ तार सरफेस ये सरफेस पे कौन हो ना आडजर्व हो माने आ ऊपर पिले एफ इ प्लस थ्री आरोप आडजर्व हो एफ इ प्लस थ्री आयन आडजर्वड बाय एफ इ ओएच बा आयरन हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स तले आ ऊपर प्लस मान आस कौन हो ना आडजर्व हो बुझिपारे पे यहाँ आगुरी सॉल्युबल हो नथिला किंतु एफ इ प्लस थ्री आ सरफेस आडजर्व हो गले तमें ये बर्तन आयन रे कन्वर्ट हो गला आगुरी आयन नथिला गोटे न्यूट्रल होता पिले न्यूट्रल होता बर्तमान ये प्लस टा पे आसला ये जो एफ इ प्लस थ्री टा आसला एफ इ प्लस थ्री आपको आयोनइज करदेला ता सरफेस आड हो गला बर्तमान ये वाटर इजिली सॉल्युबल हो पार बर्तमान ये इजिली सॉल्युबल हम ताने आम गोटे प्रेसीपिटेड को एफ इ सी एल थ्री साहब कौन कले ना कन्वर्ट करदे सल्यूसन प्रेसीपिटेड को प्रेसीपिटेड ना आईरन हाइड्रोक्साइड प्रेसीपिटेड को आम सल्यूसन कन्वर्ट कले का द्वारा ना आईरन क्लोराइड द्वारा ताको पे कहुए पेप्टाइजेसन द होल प्रोसेस कॉल्ड पेप्टाइजेसन। नेक्स्ट गोटे एग्जांपल तुमको दौले पे पूर्व केस रे आम प्रिपेरेसन कले आईरन हाइड्रोक्साइड सल्यूसन बर्तमान प्रिपेरेसन आम करवा धर मु कौन कली नहींगली सिल्वर क्लोराइड AgCl नहींगली AgCl को जितेबाला वाटर मलिकुल मिसेबी ये पे सल्युबुल नुह ये सल्युबुल आसंगे नुह ये कौन कर ना गोटे प्रेसीपिटेड आम या गोटे प्रेसीपिटेसन या प्रेसीपिटेसन को मु सल्यूसन या कि अच्छा पिले ताहले AgCl को वाटर मिसाइले से कहला प्रेसीपिटेड है आम सल्यूसन करवा इन द प्रेजेन्स अफ द पेप्टाइजिंग एजेंट क्या नवा सिल्वर नाइट्रेट नवा AgNO3 नवा सिल्वर नाइट्रेट कौन कर ना को यू पाने मिसेल तुम प्रेसीपिटेड करदे मैंने यहाँ धर हूँ AgCl ये वाटर सल्युबुल नुह इनसल्युबुल AgNO3 पकेब ये प्लस ये हूँ माइनस ये जो प्लस टा पिला ये जो प्लस ए जि प्लस टा आर सरफेस आडजर्व होकु आयोनइज करदेव आउ ये कौन हो सल्युबुल आयोनइज कला ये सल्युबुल बर्तमान आउ गोटे याले जहाँ नाटा हूँ सिल्वर क्लोराइड सल्यूसन कौटू या प्रेसीपिटेड रू या प्रोसेस नाटा कौन कह पेप्टाइजेसन कह यहाँ पेप्टाइजेसन गोटे पेप्टाइजेसन आम हो प्रेसीपिटेड थी प्लस आबजर्व होगा सल्यूसन है ठीक से भाया आपको पे कहती पॉजिटिव कोलाइड्स आपको पे कहती पॉजिटिव कोलाइड्स कहीं चारिपटे पॉजिटिव साइन अच्छे सेमती आहरी कतरा एग्जांपल अच्छे जहाँ चारिपटे माइनस साइन भी रही है नेगेटिव कोलाइड्स ताले प्रेसीपिटेट क्या कहुए पेप्टाइजेसन क्या कहुए पे द प्रोसेस इन व्हिच ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसीपिटेड सल्यूसन कन्वर्टेड इनटू सल्यूसन बाय द यूजिंग ए पेप्टाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड पेप्टाइजेसन प्रेसीपिटेड को सल्यूसन करने जो यूज पेप्टाइजेसन एजेंट बोली कहा जाए यहाँ आमर से भित्तिक हवा दरकार। अच्छा तो नेक्स्ट चल पढ़ा यहाँ तो आम गोटे आडजर्पन वे कले आ गए केमिकल वे अच्छे पे कहते कंडेनसेसन मेथड देख देख पे कंडेनसेसन मेथड ये लिखाई कंडेन्स हम ताने एग्रीगेसन हम ये पे कौन हम गोटे एग्रीगेट हम इटि बिले किछोट जिनस एग्रीगेट हो माने किछोट जिनस मिसिबो इटि एठे हमें छोट 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 पार्टिकल को नबा जरा साइज टा होची 1 नैनोमीटर रु कम से माने परस्पर जतल हमर मिसि जिबे रेंज को आस जिबे को रेंज को ना कोलाइडल रेंज को आस जिबे ता माने द प्रोसेस इन व्हिच
द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स, एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द फेज, इनसाइड द फेजटा हिं तो फेजटा तो सॉल्यूट ना, फेजरे हिं आमर कौन हम एग्रीगेट हम कौटी हम ना मीडियम रे हम तमें द प्रोसेस इन व्हिच द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स एक्युमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स कंडेंसेशन ऑफ द पार्टिकल्स टू फॉर्म कोलाइडल रेंज टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। आउ गोटे कथा मन रखी था ये मेथड को आम केमिकल मेथड भी कहीपर एटा गोटे रिएक्टिविटी मेथड भी आम कहीपर। चल कि एग्जांपल तुमको देख बुझे देख पे कत एग्जांपल लिखी केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड को जो आम ऑक्सीडेशन करवा नासेंट ऑक्सीजन सहित नासेंट ऑक्सीजन गोटिका लिखाई करवा इन द प्रेजेन्स ऑफ HNO3 बस तुम सिंपली ताको लिखि दे परबो ऑक्सीडेशन लिखि दे परबो जदि एटा नॉर्मल लिखि दे परबो ऑक्सीडेशन तले कोन ला पले वाटर तो वाटर भितरे सल्फर पार्टिकल्स रहिले आको बुले कोनदी कोलाइडल सॉल्ट्स सल्फर सॉल्ट्स सल्फर माने वाटर मॉलिक्यूल भितरे रहिले एठी देखो H2S लिखाई छि H2S को आमे एसिड रो रिएक्शन करिचे ए रक्ति रिएक्शन बैलेंस नाही देख ताहले ए रिएक्शन पले कोन हला ना H2S को मेस रिएक्शन करला एसिड सहित सेम लिखियो सिंपली ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिंपली ऑक्सीडेशन प्रोसेस कले पले कोन हो ना सेम वाटर रे से गोटिके सल्फर पार्टिकल्स थिला एटी तीन टिके सल्फर पार्टिकल्स तीन टिके आछ ता माने सल्फर संख्या बढ़िला दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्ट्स ता माने एटा केमिकल मेथड एथिरे आमे रिएक्टेंट को जहा को आमे करिया को चाहू थबा तार किछ मॉलिक्यूल्स नबा रिएक्शन करैबा आइदर ऑक्सीडेशन करो किंबा रिडक्शन करो कले पले हमरो सॉल्ट्स दबो एठी आमे कोन को पाइले ना सल्फर सॉल्ट्स पाइले सल्फर सॉल्ट्स कले चलिबो ना सल्फर कोलाइडल सॉल्यूशन कहिले बी चलिबो बुझौ छी। नेक्स्ट को देखो